So good morning, namaste, sat sri akal. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. आज आप लोग डेफिनेट सी बात है, टाइटल देख के आए होंगे. आई एम अनबॉक्सिंग माई न्यू हेलमेट. एक्चुअली खोल के तो मैंने पहले ही देख लिया था, बट आप लोगों के लिए एक फिर से अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना चाहा मैंने, और एक मतलब होता है ना, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहा हेलमेट के बारे में. दिस वॉज माई प्रीवियस हेलमेट और कल तक मैं इसको ही यूज कर रहा था, बट आज के बाद मैं इसको यूज करूंगा. रीजन बींग इस वीडियो में पता चलेगा. वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए. चालू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कौन सा हेलमेट लिया है, क्या प्राइस रेंज है और आप लोगों के लिए कौन सा हेलमेट सबसे अच्छा होगा. सो वीडियो को एंड तक देखना, लेट्स गो. तो गाइस पहले तो इस हेलमेट की बात करते हैं. ये जो हेलमेट था एसएन के ट्विस्टर सीरीज का था. ये मुझे अराउंड 3 साल पहले 4900 या 5000 के अराउंड पड़ा था ये हेलमेट मेरे को. मैंने ये हेलमेट को ऑलमोस्ट 3 या 3 से ज्यादा साल हो गए होंगे चलाया. इस पे मेरे 2 क्रैश हुए थे, उसके वीडियोस चैनल पे हैं, आप देख सकते हो जाके. बट यूजुअली एक बार जैसे ही हेलमेट का रोड के साथ इम्पैक्ट होता है तो आपको आपका हेलमेट चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्कल है वो डैमेज हो जाता है. और वेयरिंग अ हेलमेट इज इक्वल टू वेयरिंग नो हेलमेट अगर स्कल डैमेज हो जाता है तो. पर अब पहले एक्सीडेंट में नहीं हुआ था स्कल डैमेज, मेरा सेकंड में हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि भाई बदल लेते हैं अब हेलमेट से. इट्स हाई टाइम. और एक टाइम के बाद इसका जो पैडिंग भी है वो भी थोड़ा बहुत लूजन होना चालू हो जाता है, क्योंकि पुराना हो जाता है. अब इसकी कंडीशन देखो, इस पे मैंने दुनिया भर के माउंट्स वाउंट्स लगा रखे थे. तो ये हेलमेट भी एक काफी प्यारा हेलमेट था. बिगनर्स के लिए मैं ये हेलमेट जरूर रिकमेंड करूंगा. बजट फ्रेंडली हेलमेट और एक प्रीमियम कैटेगरी में मतलब दिखने जैसा हेलमेट हो जाता है. अब बात करते हैं मैंने कौन सा हेलमेट लिया है, तो इसको मैं अभी फिलहाल के लिए बाजू में रख देता हूं. मेन बात करते हैं अपन ने कौन सा हेलमेट लिया है. तो आप जैसा कि देख सकते हो LS2 का अपन ने इस बार एक हेलमेट लिया है. अब ये कौन सा हेलमेट लिया है इसको अनबॉक्स करते हैं और हेलमेट को बाहर निकाल के आप लोगों को दिखाते हैं. जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने अनबॉक्स कर लिया है अपना एक प्यारा सा LS2 का हेलमेट. अब इसको आप लोगों को पहले मैं मॉडल नंबर बता देता हूं. LS2 का डुअल स्पोर्ट MX436 इसका मॉडल नंबर है. ये डुअल स्पोर्ट इसीलिए मैंने बोला क्योंकि एक काइंड ऑफ आप जैसा कि देख सकते हो ऑफ रोडिंग लुक देता है, बट यू कैन यूज दिस हेलमेट ऑन ऑफ रोड्स एज वेल एज ऑन रोड्स. मतलब आप हाईवेज पे भी यूज कर सकते हो एज वेल एज ऑन ऑफ रोड्स. बेसिकली इसका मेन पर्पस ऑफ रोड ही होता है. इसमें एक 437 बोल के भी सीरीज आती है जो कि प्योरली मेंट फॉर ऑफ रोड है. बट मैंने क्योंकि अपना भाई हाईवे राइड्स मतलब मेजरली हाइवे राइड्स रहता है और लॉन्ग राइड रहता है, तो उसके वजह से अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेन रीजन ऑफ बाइंग दिस पर्टिकुलर हेलमेट, क्योंकि इसका प्राइस रेंज बहुत ही प्यारा है. 9250 रुपीज का ये हेलमेट है, तो एक मेजर अपग्रेड है. मैंने 4000 और डाला जेब से और देन आई अपग्रेडेड टू दिस. बट द पर्क्स मतलब द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ पुटिंग मोर 5000, मतलब आप मेरा पहला हेलमेट आप देख सकते हो कि जो SM की ट्विस्टर है. फर्स्ट पॉइंट इज द वेट. ये अराउंड 1.7 किलोस तक जाता है विद द पैडिंग एंड एवरीथिंग. तो ये काइंड ऑफ लॉन्ग राइड्स पे जो है मेरे को नेक पेन होना बहुत ज्यादा चालू हो गया था और मैं आई वॉज सीइंग अ डॉक्टर बिकॉज ऑफ दैट. बट अब दैट प्रॉब्लम आई डोंट थिंक विल अपियर सून इनफ, क्योंकि इसका वेट अराउंड 1.3 किलोज ही है भाई. तो मतलब मेजर डिफरेंस है वेट में. दिस फील्स अ लॉट लाइटर देन दैट हेलमेट. तो इसका अब पहला पॉइंट हो गया वेट, लाइट वेट हेलमेट है. सेकेंड पॉइंट, इसका जो शेल है वो इतना हाई क्वालिटी और प्रीमियम कैटेगरी में नहीं आता है. वेल एज इसका जो शेल है, शेल मतलब आप लोगों को बताता हूं, ये स्कल होता है जो हेलमेट का, ये जो आवाज दिखाई मैंने, ये केपीए शेल होता है जो
ट्रैक बेस्ड हेलमेट्स या ट्रैक रेसिंग जो MotoGP में जो KPS शेल आता है वो इस शेल का बना होता है, तो दिस इज द टॉप नॉच शेल अभी तक। तो प्रीमियम हेलमेट्स का और एक बात होता है, उसको उतने ही केयर और इससे यूज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेंटेन, मतलब मेंटेन द क्वालिटी एज इट वॉज बॉट। और थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो वेंट्स है, इतने सारे एयर वेंट्स आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, कि मतलब जो एयर इनटेक होने वाला है, इससे मेन क्वेश्चन लोगों का हेलमेट लेते वक्त, ये काइंड ऑफ लाइक डुअल स्पोर्ट हेलमेट लेते वक्त मेन क्वेश्चन जो आता है दिमाग में, कि भाई ये जो इसका जो पिन पॉइंटेड नोज है ऊपर की तरफ, इसके वजह से आपका हेलमेट अटकेगा तो नहीं? वेल, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें एयर इनटेक इतनी अच्छे से होगा, ऊपर भी इसमें जो ग्लाइडर्स दिए हुए हैं जहां से एयर पास आउट होगा, तो इसके जो एरोडायनामिक्स है बेसिकली वो बहुत ज्यादा बेटर है कंपेयर टू दिस हेलमेट। देखो यार, दोनों का पर्पस अलग अलग है तो सीधी बात है, और प्लस प्राइस में भी इतना ज्यादा फर्क है, तो कुछ तो ऐसा होगा इस हेलमेट में। और एक चीज, ये नोज रिमूवेबल है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत आती है, मतलब ये हेलमेट्स देखो बेसिकली आपको 80-90-100 स्पीड तक ये वॉबल नहीं होगा, वंस यू क्रॉस 100 तो थोड़ा सा झटका देना चालू करेगा ये हेलमेट। सो कंपनी ने ये दिया कि भाई ये नोज निकाल दो, वेयर दिस एंड यू कैन कंटिन्यू योर राइड, सेम हेलमेट हो जाएगा इन शॉर्ट, और वेट भी कम हो जाएगा। चौथी चीज, इसमें इट कम्स विद एन ISI मार्क, अप्रूव्ड मार्क। तो अभी आजकल एक नया नॉर्म निकला है कि ISI बेस्ड हेलमेट्स होने चाहिए, और एल्स द पुलिस और द कॉप्स कैन फाइन यू। और पांचवी चीज, ये जैसे ही आप वाइजर खोलते हो, आपको इधर एंटी फॉग फिल्म लगाने का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोविजन दिया है, पर फिल्म नहीं दिया, पता नहीं क्यों, बट प्रोविजन जरूर दिया है। तो एंटी फॉग फिल्म्स वैसे भी मिलते हैं बाहर, आई ऑलरेडी हैव इट इन माय SMK ट्विस्टर, तो उसका मैं निकाल के यहां लगा दूंगा। सिक्स थिंग, आप इसके साथ सनग्लासेस आते हैं, या जैसा कि देख सकते हो सनग्लासेस बहुत ही प्यारे ब्लैक कलर के सनग्लासेस आते हैं, तो अगर आप दिन में राइड कर रहे हो, धूप में राइड कर रहे हो, तो दिस कैन प्रिवेंट आपको गर्मी या आपको जो स्ट्रेन होता है दिन में राइड करने का, वो काफी हद तक बच जाएगा। और एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, इसका सेफ्टी फीचर, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं आपको एक फुटेज दिखा रहा हूं, यहां पुल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये क्यों दिया है मैं आपको बताता हूं। इनकेस आपका अगर कोई एक्सीडेंट या क्रैश हो जाता है, और यूजुअली इंसान जब एक्सीडेंट होता है तो हाइप हो जाता है या पैनिक करने लगता है, तो हेलमेट नहीं निकलता है काफी बार, तो ये जो पुल का ऑप्शन है, आपको बस ये पुल करना है और पूरा हेलमेट डिसमेंटल हो जाएगा आपका, इजीली आप आराम से बाहर आ जाएगा। तो कोई अगर और भी असिस्ट कर रहा है आपको इस मोमेंट पे, उनके लिए भी आसान हो जाएगा। तो गाइस, अभी आप लोगों को मैं हेलमेट पहन के बताता हूं, ऑलवेज यूज अ बलाक्लावा या हेड कैप ले लो भाई, जिससे कि हेलमेट का जो लाइफ है और बढ़ जाता है। हेलमेट पहन के आप लोगों को इसका फिटिंग बताता हूं कि कितना तगड़ा फिट है। तो अभी आप देख सकते हो ये एकदम तगड़ी तरह से फिट है। आप लोग जब अपना साइज चुनते हो हेलमेट का, तो ये जो पार्ट है आपके चीक्स, ये थोड़े से अपलिफ्ट हो जाने चाहिए, और जो ये जो फिट हुआ एकदम स्नग फिट बोलते हैं इसको, ये एकदम तगड़ा फिट होना चाहिए। तो यू कैन डिटरमाइन योर साइज ऑफ द हेलमेट ऑल्सो, और आप देख सकते हो कि ये कितना प्यारा लग रहा है हेलमेट मेरे ऊपर। अभी और एक चीज जो मैंने इस हेलमेट के साथ ही साथ ले ली भाई, बहुत दिनों से चल रहा था मेरा कि लेना है लेना है लेना है, मैंने सेना का परानी का इंटरकॉम ले लिया इसके साथ ही। अगर आप लोगों को इसके लिए एक अलग वीडियो चाहिए कि भाई और कौन से इंटरकॉम्स है बेटर मार्केट में, या ये दिस इज द बेस्ट, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता सकते हो। और ये हेलमेट था LS2 EVO सीरीज का डुअल स्पोर्ट MX436 फॉर यू गाइज। लॉन्ग राइड जल्दी चालू होने वाली है, मैं जैसा कि पिछले वीडियो में भी कहा था और इस वीडियो में भी कह रहा हूं, इसीलिए ये सब तैयारी चल रही है धीरे धीरे, इतनी भी लॉन्ग नहीं होने वाली, बट वो तो आपको आने वाले वीडियोस में ही पता चलेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप लोग साइज कैसे डिटरमाइन कर सकते हो मैंने आपको बता दिया, कौन सा हेलमेट क्या रेंज में क्या पर्पस। देखो भाई, बेसिकली जब आप लोग एक हेलमेट लेने जाते हो, आपका एक बजट होता है, हर एक इंसान का एक बजट होता है, तो वो बजट के अंदर आप लोग आपका हेलमेट एक्सोर है, एमटी हेलमेट्स है, तो वो सब ट्रैक बेस्ड हेलमेट्स है। SMK हो गया, ये टूरिंग बेस्ड हेलमेट है। LS2 हो गया, ये डुअल स्पोर्ट हेलमेट है। तो आपको कैटेगरी चुननी है,
बजट चुनना है एंड यू कैन गेट योर राइट हेलमेट। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। दिस इज विक्रांत सक्सेना साइनिंग ऑफ। बाय बाय। राइड हार्ड, राइड सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो।